नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध सक्सेना है। मैं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ग्रीष्म लहर के चलते आजकल हमें अपने प्रदेश में बहुत सी दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इसी कारणवश आज मैं आपको ग्रीष्म लहर के कुछ लक्षण तथा उससे बचाव के तरीके बताना चाहूँगा। लक्षण क्या होते हैं हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन के? ये होते हैं मानसिक संवेदनाओं या संतुलन का बदल जाना, गर्म लाल और सूखी त्वचा होना, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना, बहुत तेज़ सिर में दर्द होना, मतली या उल्टी आना और मांसपेशियों में कमज़ोरी या ऐंठन होना। इसके अलावा घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना एवं बेहोशी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? इससे बचने के लिए पीने के लिए ठंडे पानी की सुविधाएं, समय पर चिकित्सा एवं देखभाल की सुविधाएं, विश्राम के लिए आरामदायक स्थानों की सुविधा, बच्चों की देखभाल के लिए ठंडे एवं आरामदायक स्थानों की सुविधा, गर्म उपकरणों को इंसुलेट एवं शील्ड करने की सुविधा, भारी श्रमिक कार्यों के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देना या उन कार्यों को सुबह के 11 बजे से 4 बजे के बीच में ना करना, ये सारे उपाय हम लोग ले सकते हैं। जब भी किसी को, आपको या आपके आसपास किसी को भी ऐसा लगे कि गर्मी के कारण जितने भी बताए हुए लक्षण हैं उनमें से कुछ भी हो रहा हो तो तुरंत ही उनको ठंडे पानी का सेवन करवाएं। उसके अलावा किसी छायादार एवं ठंडी जगह पर आराम करने के लिए सुविधा दें और अगर हो सके तो ठंडे पानी से स्नान करें। इसके अलावा ऐसे मौसम में नींबू पानी, ORS, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, तरबूजा, खीरा इत्यादि का इस्तेमाल और सेवन ज़रूर करें। यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा शरीर को पूरे ढंग से ढकें, टोपी या हैट का इस्तेमाल करें, ढीले सूती कपड़े पहनें और ज़्यादातर हो सके तो हल्के रंग के कपड़े पहनें, जैसे कि सफ़ेद, गुलाबी इत्यादि। अंततः मैं बताना चाहूँगा आपको कि गर्मी से कैसे बचें। गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन ज़रूरी है, शरीर को ढकना ज़रूरी है, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं धूप से बचने के लिए और तीव्र धूप हो तो घर के खिड़की दरवाज़ों पर पर्दे का उपयोग करें और दिन में 11 बजे या 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक घर के अंदर ही रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो तो जिस तरह की समझाया गया है कि शरीर को पूरी तरीके से ढक कर टोपी या छतरी का इस्तेमाल कर ही बाहर घर से निकले। दिन में 2 से 4 के बीच में साइकिलिंग, व्यायाम इत्यादि ना करें। मदिरापान, चाय, कॉफ़ी या अधिक मीठे पदार्थों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। भारी कार्यों को शाम के 4 बजे के बाद के लिए टालें या सुबह 6 से 10 के बीच में उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है भी है कि बच्चे एवं पालतू जानवरों को धूप में खड़ी गाड़ियों में बिल्कुल भी अंदर ना छोड़ें, नंगे पैर गर्मी में बाहर ना चलें, जितना हो सके उतना शीतल तरल पदार्थों का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, ठंडा पानी पिएं, मटके का इस्तेमाल करें पानी को ठंडा रखने के लिए और अगर हो पाए तो किचन में 2 से 4 के बीच में ना जाएं क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा भीषण उसी समय होती है और उस समय खाना बगाना और गर्मी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी आवश्यक सूचना आपके हित में काम आएगी और हम अपना और आसपास के सभी जनों का इस ग्रीष्म लहर से बचाव कर पाएंगे। धन्यवाद।